सो गाइस आज मैं मतलब मैं कल आज मतलब क्या था हूँ? मैं आज ही घर जा रही हूँ. मैं बोल रहा था मैं आज घर जाने वाली थी लेकिन इसकी वजह से मेरे को इधर आना पड़ा. वो क्यों आना पड़ा? वो एक पैन कार्ड की वजह से. इसका पैन कार्ड मेरे पास था और मैं लेके भी नहीं जा सकती और मैंने इसको मेरे पास बुलाया तब भी ये नहीं आया. और क्या करें, है ना? हाँ, हमारे लिए जूस लेके आए हैं. थैंक यू. क्या था आपका नाम? नाम दो. थैंक यू. हमेशा हमेशा नॉर्बू है. ठीक है, ओके. ठीक है, उसको उसका एक्सप्रेशन से दिखते. हेलो गाइस, उसका एक्सप्रेशन से दिखते. अम्म, हीरो बनने का कोशिश मत करो ना थोड़ा सा, प्लीज. मैं इसका चार्ज करता हूँ, ये फोटो का भी चार्ज देता हूँ गाइस. मेरे से नहीं. व्हाट इज दिस? मेरे से लेके दिखाओ. कौन देगा तुम्हें? 5 रुपए भी नहीं दूंगी. सो सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था. मैं आपका बाल का वजह से मैं देख नहीं पाया. सो सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. मैम प्लीज़ मुझे मत निकालो यार. मैम प्लीज़ मैम. क्या हो गया? सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम. मेरा छोड़. वो आपका स्टूडेंट है भाई, मुझे लगा वो टीचर है. इसको डिस्टर्ब कर दिया. क्रेजी. जो गाया ना अभी लाइन पे कौन था दिखा दो ना. नोटबुक लाइन पे था हमारा लामा बॉय समर्पण लामा. गाना गा के गाना सुनाओ. गाना जोर से गाओ सुनाओ. जोर से गाओ ना लामा. छोड़ो. सो गाइस, हाँ, अभी हम जस्ट मैं नॉर्बू के बुआ के घर गए थे ना उनसे मिलने. तो हम लोग अभी बुआ के घर जाके आए थोड़ा सा. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. और कल रात को मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बैटरी भी ऑफ हो गया था. उसके बाद चार्ज भी लगा. मैं सो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी. तो मैं अभी उठी हूँ. अभी उठी नहीं, मैं सुबह ही उठी हूँ 7:30 पे. और अभी बज गए 11 o'clock और अभी तक नॉर्बू नहीं उठे हैं. नॉर्बू दूसरा साइड के रूम पे है अभी. और मैं तो बोरिंग होके बैठी हुई हूँ गाइस. मैं सोई थी ये नॉर्बू के रूम पे और नॉर्बू दूसरा साइड के रूम पे सो गए थे. और उसने तो रात भर प्रैक्टिस किया गाइस, मेरे को लगता है. क्योंकि मैं जब 4 बजे करीब एक बार मेरा आँख खुल गया था जब मैं बाहर गई थी वॉशरूम, तो तब भी उसका रूम पे लाइट ऑन था और वो प्रैक्टिस कर रहा था. तो धुरुम 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 आवाज़ आ रहा था. और अभी तक सो रहा है. अभी तक मेरे को बोरिंग हो रखा है. मैं चाहता उसको उठाओ, कुछ वीडियोस वगैरह बनाओ, बट नहीं, सो रहा है मस्त घोड़े बेच के. गाइस, सर उठ चुके हैं अभी.
हेलो गुड मॉर्निंग 12 बजे गुड मॉर्निंग समर्पण ने अपना वोटिंग प्रोसेस डाला है आप लोगों ने क्या होगा वोट उसे सोनी बाल भी अच्छे से नहीं पोछा क्या बोला लेट्स गो माय पीपल वोट फॉर हैशटैग वोट फॉर समर्पण लामा समर्पण लामा को वोट करो गाइस मेरे भाई को वोट करो और फाइनल तक पहुंच के और वहां पे भी और ज्यादा वोट करके जिता दो वो क्या पहना है स्कार्फ जैसा थी अभी हम गाइस इतने दिन के बाद मैं ये ट्रेडिशनल सूप और चिकन आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा देसी चिकन नहीं नहीं देसी चिकन तो बोलता है इट्स अ ऑथेंटिक तो मैं तो खाने वाला तुमको जो बनाना बनाऊं स्काफ स्काफ तो क्यों इस तो भगवान रेड ब्लड गाइस मैं आपको सबको एक चीज दिखाती हूँ मैं थक गई बोल बोल के देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है ये नोरबू उठो ना अभी मेरे को जाना है नोरबू बहुत गर्मी है उठ जाओ ना प्लीज प्लीज क्योंकि घर से ये दिख जाता है हमें यही पास में ही वो है ना गाइस एयरपोर्ट इसलिए सो गाइस अब बिस्तर में सोने की हालत नहीं है ये तो खोलो ना 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 प्लीज देखो ना गाइस क्या बांध के बैठे गुंडा जैसा ये तो ये अपनी रिकॉर्ड कर जा गौर सुनिए ना गुंडा जैसा देखो ना ये डालना नहीं है देखो ना क्या नोटबुक क्या ना है ना दिम की हुई बात क्या है बाल नीचे और ऊपर ऐसा और मैं कुछ कह वगैरह नहीं पहन सकता इससे मेरा ना जब तुम बुड्ढा होगा ना तुम्हारा बाल सब गिर जाएगा ओके क्योंकि हमेशा बाल भी खोल के रखते हो हमेशा कैप पहनते रहते हो हैट पहनते रहते हो फिर रूमाल ऐसा नहीं करना चाहिए पता है पसीना में प्रैक्टिस करते हो है कि नहीं गाइस आप बोलो ऊपर से इतना कलर डालते हैं ये बाल पे रुको ना गाइस मुंबई से बहुत ज्यादा गर्मी अभी मेन जो सिलीगुड़ी सिटी है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है एंड जो ये मार्बल का टाइल्स है ना उसमें बहुत मस्त ठंडा लगता है सो मैं इसलिए सो रहा हूँ सो ये मत सोचना कि मैं पागल हो गया पागल ही हो गया गाइस पागल वो लेट्स मेक सम वीडियोस मेरे को एक बात बोलना है क्या बोलना है जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया था देन सम ऑफ यू गाइस हैव सेड कि नोरबो शुड ओपन हिज ओन चैनल सुष्मिता लेट हिम ओपन हिज ओन चैनल डोंट उसका अपॉर्चुनिटी मत छीनो वो सुन के मैं थोड़ा हर्ट हो गया फिर मेरे को ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है गाइस मतलब ये बहुत अननेसेसरी थॉट लगा मुझे क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता लोग जो भी डालते हैं वो एक मोमेंट जब हम लोग बाद में आने वाले 4-5 साल में जब देखेंगे अपना जर्नी तो उसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं हर इंसान अपना लाइफ का मेन कैरेक्टर होता है और मेन कैरेक्टर अपने आप को फिल्म बस हम लोग अपने आप को फिल्म करना है समझ सो ये चाहे सुष्मिता के चैनल में हो वो मैटर नहीं करते ये दुनिया मतलब लोगों ने ये रूल बनाया अपना चैनल उसका चैनल वो ये एक्टिव है दैट्स व्हाई मैं उसका उसमें कर रहा हूँ और मैं मेरा बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स बहुत सारा बिकॉज उसका भी स्लिप डिस्क हुआ है एंड वो टाइम दे पाएगा उसमें एंड मेरा बहुत सारा रिहर्सल वगैरह मेरे को करना है अभी मतलब बहुत चीज़ करना है तो उस चीज़ में एक पार्ट ब्लॉगिंग भी है जो कि मुझे पसंद है बट
कहीं ना कहीं मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा. सो दैट्स व्हाई सुष्मिता हेल्प कर रहे. देन यही है गाइस. सो ऐसा मत सोचो आप लोग. सो गाइस मेरे और मैं भी यहाँ सो रहा हूँ बिकॉज़ बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है. इसका हक मैंने नहीं छीना है. मैं तो इसको कब से बोलता हूँ लेकिन अभी तक इसने खोला ही नहीं यूट्यूब. हाँ और तो क्यों वो आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत इधर बहुत ज़्यादा चीज़ में मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम. हाँ, इसको बोलती हूँ ना और नहीं खोलते रही और आप लोग इतना प्यार से मतलब नोटबुक ब्लॉग लो नोटबुक का ब्लॉग लो बोलते हो तो इसीलिए मैं नोटबुक को बोल के मैंने नोटबुक को ब्लॉग बनवाया. गाइस अभी हम जा रहे हैं मतलब ये मेरे को छोड़ने जा रहे हैं. मैं जा रही हूँ. सोचा था कुछ बना लूँ और नहीं बना पाया. बट क्यों पता है ये तो सो गया था ही था. मैं कुछ एडिट कर रहा था उसके बाद मेरे को भी नींद आया मैं भी सो गया. और क्या बनाने वाला है? हमको पांच कुछ बनाना था ना वीडियोस वगैरह साथ में बना लेंगे. अबे नहीं आँख खुला 5 बजे बना लेंगे. क्या कर रहा है? दिखा रही हूँ कि तुम कैसे सॉक्स पहन रहा है. ये जस्ट इंस्पिरेशन और उनका इंस्पिरेशन देखो. ब्लू हेयर ए कोई ब्राउन पर ऐसा गाइस इसका जो ब्लू हेयर है सो नोरबुजी इससे इंस्पायर होके किया है ब्लू हेयर. अपने आप को वो गोकू समझते हैं और गोकू के जैसे ट्रेनिंग करता है ये गोकू. इस तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गया है और अभी इसका कुछ सो मच देखने इसको कोई शूट के लिए एक स्टूडियो पे जाना है तो अभी मैं इधर से ही मैं अपना घर जा रही हूँ. ये स्टूडियो जा रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद में हम मिलेंगे अगर टाइम इसका जल्दी हो गया तो गाइस. ठीक है तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस और देखते रहो आगे का अपडेट हमारा. टिल देन सी यू सून. बाय बाय लव यू ऑल.